वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे आकाश मुनसोत्रा पे। और आज आप अपनी ट्रेनिंग भी बेसिक स्टार्ट करने वाले बताने वाले हैं, लेकिन आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। एक बात, फर्स्ट पॉइंट आपका ये पॉइंट है कि आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए। आपका जो डॉग है वो एक बार में भी सीख सकता है, दो बार में भी सीख सकता है, दस बार में भी सीख सकता है, बीस बार में भी सीख सकता है। तो आपको उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है। सबसे पहला वाला पॉइंट ये है ना, भी कमांडर मैंने तेरे पर गुस्सा नहीं करना आज तक नहीं। पहला पॉइंट आपको गुस्सा नहीं करना है, आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कमांडर, तू बताएगा या मैं बता दूं? तू बताएगा, मैं बता दूं? दूसरा पॉइंट है प्रॉपर टेक्निक यूज करो जब भी आप उसको ट्रेनिंग करना सिखाओ। जाना नहीं है, इधर ही बैठा है। कहां जा रहा है? इधर तो आ, सिट हो, सिट हो जाना, सिट 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 सिट। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि आपके पास होनी चाहिए ट्रीट, आपके पास होना चाहिए रिवार्ड। जब भी आपका डॉग कोई अच्छा काम करे, जब भी आप जो उसको सिखा रहे हो उसने किया है, अगर एक माइनर सा भी स्टेप उसने उठाया है तो आपको उसको रिवार्ड देना पड़ेगा, जिससे कि वो खुश हो जाए, उसको पता चल जाए कि हाँ ये चीज अगर मैं करूंगा तो मुझे, जब ये कुछ ये बोलेगा जैसे मैं इसको बोलूंगा स्टॉप, तो ये अगर रुक जाए तो मुझे उसी वक्त उसको रिवार्ड देना है। तो रिवार्ड के चक्कर के अंदर यह चीज वो बार बार मानेगा। जब भी जैसे आप फर्स्ट आते हैं तो अपने घर वाले कहते हैं कि अगर तुम फर्स्ट आओगे तो तुम्हें साइकिल दिलाएंगे, तो उनको वैसा ही कुछ अपने को समझाना पड़ेगा कि अगर तू बैठेगा तो हम तेरे को ये चीज देंगे। जैसे कुछ भी मान लो, जैसे अगर तू स्टे मानेगा, अब जैसे ये अलग अलग हरकतें कर रहा है कि अब मैं बैठ गया, अब मैं लेट गया, किस चीज के ऊपर तू मेरे को देगा। लेकिन मैंने इसको अभी कोई कमांड नहीं दिया इसलिए मैं दूंगा नहीं। गलत कमांड के ऊपर आपको कभी भी रिवार्ड नहीं देना है, ये वाली बात याद रखें। अगर आप उसको सिट की ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो बैठ गया तो आपको उसको रिवार्ड देना है, और अगर आप उसको सिट की ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो लेट गया है तो उसको रिवार्ड नहीं देना है। तो ये कुछ बातें आपको याद में रखनी है। हाँ भी कमांडर, ऐसे सिखाया था ना मैंने देखो कुछ धीरे धीरे, है ना? हाँ कि ना? जब भी अपने डॉग को अपन खाना देते हैं, स्टे ट्रेनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे आप कहीं उसको रोक के जा रहे हैं तो उसको स्टे होना है। स्टे का मतलब है ही है कि रुकना। जैसे आप बाहर जा रहे हो और आपसे आपका जो डॉग है आप उसको बिना लीश के घुमा रहे हो और वो थोड़ा आगे चल गया है, तो आपको क्या करना है? उसको स्टे बोलना है। स्टे का मतलब है वो रुक जाए वहां पे। तो आपको स्टे ट्रेनिंग कैसे देनी है वो आज मैं आपको बताऊंगा। बता दें आज अपन प्रॉपर स्टे ट्रेनिंग के स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो ये कुकी है, जो इसका ये खाने वाली चीज है, तो आपको ये रखना है यहाँ पे, ठीक है? और आपको एक प्रॉपर स्टेप लेना है। अब जैसे ये खा रहा है, मैंने ये कर दिया तो नहीं खा रहा ये, लेकिन ये खा रहा है। मैंने इसको अभी तक कोई प्रॉपर मतलब बोला नहीं है इसको स्टे के बारे में, तो अभी इसने खा ली। लेकिन आपको क्या करना है, अपना एक प्रॉपर साइन करना है। जैसे एक चीज के लिए एक ही साइन को यूज करना है, एक साइन से यूज करेंगे, मतलब ये एक कमांड का एक वर्ड सुनता है और आपका साइन देखता है, उसके बाद ये हरकत करता है। ये पूरा सेंटेंस नहीं समझ पाते हैं। जैसे स्टे का मतलब, स्टे एक वर्ड है, कमांड का ये है, स्टे कमांड का साइन ये है, मैंने इसको ये बताया हुआ है। तो मेरे को अगर मैं इसको ये कहीं पे भी ये कर दूंगा, इसने अपने आंखों से देख लिया ये, तो ये मान जाएगा उसी को, ठीक है? तो आप जैसे इसको, मैंने बिना अभी कोई कमांड नहीं दी, अब जैसे इसको ये खा लेगा, इसने ये खा लिया, अभी मैंने इसको कमांड नहीं, अब अपन इसको स्टे कमांड देंगे। कमांडर स्टे, कमांडर स्टे, दो मैंने रख दिए, स्टे कह दिए, यू कैन सी हिम, ये अब नहीं खाएगा इसको, क्योंकि मैंने इसको ये सिखाई हुई है। अब जैसे मैं कितनी भी बढ़ा दूं, कमांडर स्टे, कमांडर स्टे, ओह माय गॉड, वाओ, सो द कमांड इज गिवन बाय मी। तो यू नो पिटबुल जो ब्रीड है ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का एक प्रॉपर साइन है, कह सकते हैं अपन इसको। और मतलब इसके लिए इसकी कमांड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप एक बड़ी ब्रीड लाओगे तो आपको कमांड देना उसको स्टार्ट करते हैं। स्टे ही अभी भी दिया नहीं मैंने, स्टे है यार। तो अगर आपका डॉग बीच में अगर ऐसे खा जाए तो उसके ऊपर गुस्सा नहीं होना है कि आप उसको पकड़ के मारने लग जाओ चीते, क्योंकि उसने इतना भी माना है तो काफी बड़ी बात है, तो उसको शाबाशी दे देनी है। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर आप जैसे आप इसने जिद करी तो आपको अगर स्टे कमांड को और प्रॉपर करवाना है तो ऐसे धीरे से चक मार सकते हैं, हाथ यूज कर सकते हैं आप, छोटी मतलब नो ऐसे
मतलब ये नो भी नो कमांड भी इसके अंदर साथ साथ आप सिखा रहे हो नो ऐसे नो स्टे ये स्टे ये स्टे। अब देखते हैं ये मान अभी तो मान रहे हैं अब ये बीच में आएगा जब आपको क्या करना है ये बताता हूं नो 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 उसको रिजिस्ट करना है कि वो गलत काम कर रहा है कमांड के अपोजिट कर रहा है स्टे स्टे। अब देखो उसको पता चल गया कि स्टे कमांड मेरे को रहना ही रहना है कुछ भी हो जाए तो अब ये नहीं करेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं जैसे इसने खा लिया तो उसको पकड़ के मार देंगे तो वो कुछ भी नहीं सिखाएगा आपके डॉग को वो बस आप उसको हर्ट कर रहे हो। तो आप जैसे ये नो का मतलब है कि नहीं ये काम नहीं करना तो नो कमांडर नो स्टे है ठीक है। अब जब ये पूरा हो जाता है तो अपने डॉग को एक उठा के दे दो हैव गुड बॉय। तो ये स्टे कमांड थी गाइस। तो मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा आपको ये कैसे सिखानी है। आपको कुकीज या आप कोई भी चीज ले सकते हैं बिस्किट ले सकते हैं दो बिस्कुट मतलब ज्यादा बिस्किट भी नहीं ले दें आप दो बिस्किट ले सकते हैं और आप अपने आप सिखा देना। और अभी अपनी फर्स्ट वीडियो है और अभी अपन कम से कम आपने इसको 10 आपके पपी को 10 चीजें बताएंगे जो आप अपने पपी को घर पे सिखा सकते हैं विदाउट ट्रेनर की हेल्प के। तो आपको ये सिखाने के अंदर काफी यूजफुल रहेगी। न्यू टू चैनल देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू फॉर गिविंग सो मच लव क्योंकि अपने 12 के पूरे हो चुके हैं 12 के अपनी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और काफी दिनों बाद वीडियो आ रहा है इसके पीछे कारण था उसकी वीडियो आप हम अभी बना लेंगे थोड़े टाइम बाद। और ऐसे ही प्यार देते रहो ऐसे ही अपना साथ देते रहो। चलो ठीक है फिर बाय बाय।